ये कंसंट्रेशन टर्म आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। ये है वेट बाय वेट परसेंट। ये वेट बाय वेट परसेंट जो है ये एक्चुअली इट इज यूज्ड टू मेजर द concentration of solution and applied in commercial purpose। वेट बाय वेट, इसमें दो किसी भी सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इस दोनों को जब मिक्स करते हैं तब बनता है आपका सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास लिया जाए और उसको परसेंट में अगर हम एक्सप्रेस करें तो वो कहलाता है वेट बाय वेट परसेंट। तो इसके लिए वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। याद रखेंगे ये यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं होगा, सॉल्यूशन के मास में परसेंटेज निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दिस विल गिव यू वेट बाय वेट परसेंट टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। अब वेट बाय वेट परसेंट को अगर एक एग्जांपल के थ्रू से अगर हम समझना चाहें तो सपोज कीजिए 20 ग्राम ऑफ शुगर, कहो 12, 22, 11, 20 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड द वेट परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर 20 ग्राम सॉल्यूट है एंड 100 ग्राम वाटर का है, तो हम जानते हैं वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है तो हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। देखिए यहाँ पर 20 ग्राम सॉल्यूट का दिया हुआ था, 100 ग्राम वाटर दिया हुआ है, सॉल्यूशन अभी नहीं है। तो सॉल्यूशन वेट होगा 100 प्लस 20, तो इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन 20 ग्राम एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इज 100 प्लस 20 इनटू 100। दिस विल गिव 20 बाय
120 into 100, 0, 0, and this is your 200 divided by 12, 200 divided by 12, that is 100 by 6, 100 by 6, and it can be written as 106, 106, 40, 40, that is 36, 4.0666, that is equal to 16.6%. ये था। और कभी कभी आपको इसमें जो सम गिवन रहेगा उसमें सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया रहेगा, सॉल्यूशन का डेंसिटी या वाटर की डेंसिटी दिए रहेगी, उसका मास नहीं दिया रहेगा। तो आप डेंसिटी वाला फार्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, इससे आप निकाल सकते हैं मास इज इक्वल टू डेंसिटी गिवन एंड वॉल्यूम, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मास निकल जाएगा, चाहे जिसका भी डेंसिटी दिया हो। अगर वो वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है तो वाटर का मास निकलेगा, और फिर उसको सॉल्यूशन का मास बनाएंगे, सॉल्यूट के मास को ऐड करके, और उसके बाद परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से ढेर सारे न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, लेकिन मैं हर एक कंसंट्रेशन टर्म को अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने का कोशिश करता हूं। और इससे पहले मैंने मोल फ्रैक्शन को भी बताया है, और आगे हम बताएंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट।